दोस्तों एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज लुक एट द डेटा केयरफुली एंड देन वी विल स्टार्ट टू सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्या बोला है जो हमारे पास के एफ डॉट सी एच थ्री सी ओ एच एक क्रिस्टल होता है, जस्ट लाइक पार्शियली हाइड्रेटेड, इसको मैं बोलूंगा पार्शियली एसिटिक एसिड के साथ इसने एक क्रिस्टल जो है वो हमारा बनाया है, ठीक है। अब अगर मैं के एफ डॉट सी एच थ्री सी ओ ओ एच सॉलिड के बारे में बात करूं, के एफ डॉट सी एच थ्री सी ओ एच सॉलिड, और यहां पर मैं डाल देता हूं सी एच थ्री सी ओ एच लिक्विड एंड दिस इज इन एक्सेस, क्योंकि यहां पर ये सॉल्वेट है, तो यहां पर ये चीज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा के प्लस ग्लेशियल, ठीक है, प्लस एफ माइनस ग्लेशियल, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। और ये वाला जो डिसॉल्व होने के लिए जो एनर्जी डेल्टा एच सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है माइनस 3 किलो जूल, लेट मी राइट इट हियर, इसका जो डेल्टा एच दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 किलो जूल पर मोल, ओके। अब यहां पर इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, सबसे पहले मैं इस पे जो लैटाइस एंथैल्पी है वो लैटाइस एंथैल्पी इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्लस 734, और जैसे मैं ये प्रोवाइड करूंगा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा टूट जाएगा एज ए के प्लस गैशियस प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ एच गैशियस, ठीक है, प्लस एफ माइनस गैशियस, दैट इज व्हाट यू कैन सी, ठीक है, राइट। अच्छा, जो के प्लस गैशियस प्लस एफ माइनस गैशियस है, ये दोनों खुद भी अगर हम ध्यान दें, अगर हम खुद भी एक चीज ध्यान दें, तो ये दोनों मिलके हमारा के एफ सॉलिड जो है वो के एफ सॉलिड हमें दे सकता है, और इस पर जो हमारा लैटाइस एंथैल्पी होगा दिस इज माइनस 797 किलो जूल पर मोल, ठीक है, राइट। अब इसके बाद क्या है, ये अगर मेरा के एफ सॉलिड है, इसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, यहां से डायरेक्टली जब मैं यहां पर जाऊंगा, यहां से डायरेक्टली जब मैं यहां पर जाऊंगा, तो यहां से डायरेक्टली यहां पर जाने पे हमारा केएफ का जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन दे रखा है दैट इज प्लस 35 किलो जूल पर मोल, और जो ये सी एच थ्री सी ओ एच गैशियस है, ये सी एच थ्री सी ओ एच गैशियस के बारे में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ये हमारा लिक्विड फेज पर फाइनली आएगा, और वेपोराइजेशन का अगर 21 है तो यहां पर ये डेफिनेटली माइनस 21 जो है वो हमारा बनने वाला है। अच्छा, अगर F- और CH3CO- के बीच में कोई भी प्रकार का इंटरैक्शन नहीं होता, तो इन दैट केस हमारा डेफिनेटली ये वाला सिनेरियो जो है वो हमारी क्रिएट होने वाली थी। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, मेरे ख्याल से यहां पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए। बट यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये दोनों में जब मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हूं, जब मैंने ये वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हूं, तो मुझे यहां पर एक एडिशनल एनर्जी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा
ड्यू टू द एच बॉन्डिंग एनर्जी, क्योंकि ये दोनों का इंट्रैक्शन जो है, ये एक्चुअल में जब मैं इसके लैटाइस को तोड़ूंगा, के प्लस तो खुशी खुशी मेरा सेपरेट हो जाएगा, बट ये मेरा CH3COH.F- के फॉर्मेट पे रहेगा, और वो वाला एच बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मुझे यहां पर ये 734 का जो ये एनर्जी है लैटाइस, वो तो परफेक्ट क्रिस्टल को तोड़ने के लिए है, लेकिन उसके साथ मुझे एक एडिशनल एनर्जी ड्यू टू द एच बॉन्डिंग भी डेफिनेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो दिस इज द बॉन्ड हेवर साइकिल, प्लीज गो थ्रू इट केयरफुली. क्यों ये वाला चीज को मुझे ऐड करना पड़ रहा है उसको समझो, क्योंकि लैटाइस में वी टॉक ओनली अबाउट द इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, वी डू नॉट कंसिडर एनी एच बॉन्डिंग. सो इफ वी हैव टू कंसिडर दैट एच बॉन्डिंग, तो हमें एक एडिशनल एनर्जी जो है वो भी तो डेफिनेटली प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. सबसे पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड करें. सो नाउ वंस दिस वन इज परफेक्टली डन, सो वी अप्लाई द हेसेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन. तो -3 विल बी 734 प्लस EHB, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, माइनस 797 इन दिस स्टेप, प्लस 35 इन दिस स्टेप, एंड माइनस 21 इन दिस स्टेप. दिस इज व्हाट यू कैन राइट. सो E of H bonding 797, this one is a plus 14, so here will come go out to be minus 14, minus 734, minus 3, तो ये हो गया 737, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास कितना 60, 60 minus 14, so this will come out to be equals to 46 kilojoule per mole. So strength of the bond हमें पूछा है, तो strength of the H bond जो आ जाएगा between F minus gaseous, ध्यान देना ये liquid state का H bonding का consider नहीं कर रहे हैं, ये gaseous के बारे में consider हो रहा है, that will be plus 46 kilojoule per mole. यहां पर ये question में main था हमारा Born-Hever cycle बनाना. अक्सर जो हमें miss हो जाता है वो ये वाला point होता है. Again मैं वापस ध्यान देने के लिए बोलूंगा, lattice enthalpy only takes care of the ionic interaction between these two. कोवेलेंट इंट्रैक्शन के बारे में किसी भी प्रकार का कोई बातचीत का सामना ये नहीं करता है. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. 1.36 ग्राम ऑफ CH3CONA.3H2O सॉलिड, उसको मैंने मिक्स किया 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl एक्वस इन अ कैलोरीमीटर. So the temperature actually fell by 0.4 degrees Celsius due to the reaction shown. The heat capacity of the calorimeter and that of the solution is given. We have to find the enthalpy of formation of Na plus aqueous. ठीक है? Relevant data are given. ठीक है? तो वो हम बाद में देखते हैं इसके बारे में. अच्छा, by the way, सबसे पहले ये वाला compound का molecular weight जो है वो मैं निकालने का दिलचस्पी रखूंगा. CH3COONA तो तीन वाटर का हो गया 54, सोडियम का हो गया 23, तीन हाइड्रोजन का, दो कार्बन का 24 और दो ऑक्सीजन का 32. That is what we have. ठीक है, That is what we have. राइट. तो यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं 2650
50 और 54, 104, 104 plus 32, so that will be equals to 136. तो obviously बात है 1.36 gram is a 0.01 moles. ठीक है, और हमारे पास जो HCl है, हमारे पास जो HCl है उसको अगर हम ध्यान दें, वो हमारे पास है 0.02 moles. Now इसका एक मोल एक H plus खाता है, तो ऑब्वियसली बात है दिस वन इज गोइंग टू बी माय लिमिटिंग रिएजेंट, और हीट जो रिलीज हुआ है वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ है, दैट्स फॉर श्योर. अच्छा, पूरा सॉल्यूशन का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस सॉल्यूशन. सॉलिड तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और सॉलिड का वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम इज प्रैक्टिकली 100 ml, दैट वी कैन सी. तो इसका जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90, तो कैलोरीमीटर का खुद का है, प्लस जो यहां पर है दैट इज 100 × 4, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 490 जूल पर केल्विन. और यहां पर ये कंटेनर जो है वो हमारा ठंडा हुआ है, तो जो हमारा हीट इन्वॉल्व हुआ है डेल्टा क्यू दैट विल बी -490 × 0.4. तो मेरे पास यहां पे खत्म हो जाएगा, तो 4 196 joule. सो 0.01 मोल जब इसका रिएक्ट किया है तो इतना हीट जो है वो हमारा एब्जॉर्ब हुआ है. तो ये वाले रिएक्शन पर अगर मैं आता हूं तो डेल्टा एच रिएक्शन विल बी 196 डिवाइडेड बाय 0.01 जूल पर मोल. एंडोथर्मिक है तो ध्यान देना ये पॉजिटिव है, ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 19.6 किलो जूल पर मोल. ये मेरा डेल्टा एच आर रिएक्शन होगा. एंड यहां पर अगर मैं डेल्टा एच आर रिएक्शन के बारे में थोड़ा और गौर से ध्यान दूं तो दैट विल बी नथिंग बट डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच एक्वस प्लस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एन ए प्लस. गलती मत करना, एक वॉट एक ही वॉटर पैदा हुआ है, चार मत के खुश मत हो जाना. वो तीन तो पहले से ऑलरेडी वॉटर के फॉर्म में प्रेजेंट था, एक ही वॉटर एडिशनली पैदा हुआ है, चार मत लिख देना. प्लस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ वॉटर माइनस H प्लस का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, ये वाला क्वांटिटी का जो डेल्टा एच एफ नॉट है दैट इज जीरो. अच्छा, H प्लस के बदले H3O प्लस लिख के दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भी जीरो है. तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन ए डॉट 3H2O सॉलिड, दैट इज व्हाट यू कैन सी. सो दोस्तों सिंपल सी बात है, 19.6 will be equals to the now the relevant data minus 485 plus a delta HF naught Na plus plus water ka minus 285 aur isko mujhe subtract karna padega to plus 1600, that is what we can write. ठीक है, सो सिंपल सी बात है, मेरे पास डेल्टा एच एफ नॉट एन ए प्लस जो आ जाएगा दैट विल बी माइनस 1600 प्लस
इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 770 प्लस 19.6, दैट इज व्हाट आई कैन से. सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1600 माइनस 789.6. तो ये जो है ये मेरे पास आ जाएगा एंड इसके अकॉर्डिंग जो है मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सब कुछ सही है. प्लीज चेक सब कुछ सही है या नहीं है. ठीक है, कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीटली सही है एंड यहां से मेरे पास डेल्टा एच एफ नॉट जो है वो मेरे पास आ जाएगा एक्वस में. राइट, तो कितना आ जाएगा मेरे पास. सो माइनस 0.40, तो यहां पर हो जाएगा 9, तो 1810.4 किलो जूल पर मोल. राइट, सो दिस इज हाउ वी डील दिस क्वेश्चन. ओके ओके दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड बहुत सारे डेटा है. प्लीज टेक अ पॉज एंड लुक फॉर द डेटा. और बहुत सारे चीज जो है वो हमें पूछा भी गया है तो एक एक करके मुझे सारे निकालना पड़ेगा. नोट डाउन द डेटा केयरफुली एंड नाउ वी विल स्टार्ट. जब इतने सारे डेटा होता है तो ऐसे क्वेश्चनों का जो मेन बात होती है, जो ये वाले क्वेश्चन पे मैं शुरुआत जो है वो शुरुआत कहां से करने वाला हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट वी हैव टू थिंक. राइट, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, जो सबसे पहले जो चीज निकलेगा वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये, क्योंकि बाकी सारे कंपाउंड जो है उनका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा हूं उसको बिना देखे ही केवल CO2 से ये वाला डेटा निकल सकता है. क्योंकि ध्यान दो, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस दैट इज गोइंग टू गिव मी CO2 गैस. और ये वाला रिएक्शन का जो हमारा एंथैल्पी है वो दे रखा है -390. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इस कार्बन सॉलिड को सबसे पहले हम कार्बन गैस पे कन्वर्ट कर लेंगे और इसको 2O गैस पर कन्वर्ट कर लेंगे. ये वाला स्टेप पे करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें जो देना पड़ेगा वो यहां से प्लस 720 और यहां पर हो जाएगा मेरे पास प्लस 500 और यहां पर इन दोनों से मैं अगर यहां पर जाता हूं तो दैट विल बी माइनस 2 इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड. रेजोनेंस उसने बोला है सामने वाले ने जो नेग्लेक्ट करो, अगर नेग्लेक्ट नहीं करने बोलता वो डेटा दिया होता तो हम CO2 का वहां पर रेजोनेंस भी कंसिडर करते हैं, बट यहां पर हमें उसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है. तो हेसस लॉ लगा दो, इन दोनों का एडिशन 1220 माइनस 2 इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ दैट इज इक्वल्स टू माइनस 390. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इसको यहां पर ले जाओ तो 610 प्लस 195, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 805 किलो जूल पर मोल. ये तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया है. अब अगला कौन सा पकड़ेंगे, मेरे ख्याल से इथेन और एसिटाल्डिहाइड लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों में एक बॉन्ड अलग है एसिटाल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड वो जो कि मुझे ऑलरेडी नोन है. बाकी इथेन और एसिटाल्डिहाइड में दोनों में अगर देखोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और बाकी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है. दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस. सो इथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, C2H6 गैस प्लस 3.52 O2 गैस दैट विल गिव मी 2 CO2 गैस
प्लस थ्री एच टू ओ लिक्विड। तो ये वाले पे अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से जाऊं, एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन तो दे रखा है -1560 इक्वल्स टू 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 इंटू -290 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सी टू ए सिक्स। तो इसका जो मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ सी टू ए सिक्स दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इफ आई सी यहां पर हो जाएगा मेरा 780 माइनस 870 ठीक है ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा -1650 ठीक है प्लस 1560 दैट विल बी -90 किलो जूल पर मोल ठीक है। ऑन द एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड मेरा फॉर्मूला क्या है C2H4O तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं C2H4O गैशियस और इसका कंबर्शन रिएक्शन O2 गैशियस गिव्स मी 2CO2 गैशियस प्लस 2H2O लिक्विड। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पे मेरे पास 4, 2, 6 ऑक्सीजन है एक तो ऑलरेडी है तो 2.5 O2 खैर उसकी जरूरत नहीं थी ऑक्सीजन को बिना बैलेंस करे भी हमारा जिंदगी तो निकल ही जाएगी। और इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन है वो दे रखा है -1190 दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू -390 प्लस 2 इंटू -290 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H4O दैट इज व्हाट यू कैन से राइट। तो मेरे पास जो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा C2H4O का सो दैट विल बी -780 -580 प्लस 1190 तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1360 प्लस 1190 दैट वी कैन सी तो दिस विल बी इक्वल्स टू -170 किलो जूल पर मोल। इसका हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमारा आ चुका है। सो एट दिस पॉइंट अ बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ। नाउ 2C सॉलिड प्लस 3H2 गैस दैट इज गोइंग टू गिव मी C2H6 गैस। अच्छा क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर 2C सॉलिड को यहां पर अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो प्लस 1440 देना पड़ेगा ठीक है और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2C गैस में। यहां पर 3 इंटू H2 दैट विल बी प्लस 1320 6H गैस और इससे जब मैं यहां पर जाऊंगा तो माइनस एक बॉन्ड CC का बन रहा है और 6 बॉन्ड CH का बन रहा है। सो व्हाट आई थिंक दैट इज -90 विल बी इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन 2760
अच्छा मैं इसको x मान लेता हूं एक बार के लिए और इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है, माइनस एक्स माइनस सिक्स वाई, तो द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म इज x प्लस सिक्स वाई विल बी इक्वल्स टू 2850 किलो जूल पर मोल में, ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। अब वापस हम फॉर्म करने का कोशिश करते हैं एसिटल्डिहाइड को, और एसिटल्डिहाइड को फॉर्म करने का कोशिश में क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले एक बात ध्यान देते हैं। क्या होगा, 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स मी C2H4O गैस। I'm doing it at a higher temperature, वरना एसिटल्डिहाइड जो है वो एसिटल्डिहाइड हमारा गैशियस होता नहीं एक्चुअली रूम टेम्परेचर में, राइट, खैर वो कोई सवाल वाली बात नहीं है, यहां पर है वो। अच्छा यहां पर हमें कितना देना पड़ेगा, प्लस 1440 तो देना पड़ेगा 2C गैस। यहां पर 2H2 देना पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है प्लस 880, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4H गैस में, और इसका ऑक्सीजन आधा ही देना पड़ेगा तो ये तो हमारा O गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसका आधा यानी 250। और यहां से जब मैं इसको फॉर्म करने के लिए जाऊंगा, यहां से जब मैं इसको फॉर्म करने के लिए जाऊंगा तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो माइनस एक्स, चार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी माइनस 4Y, और एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वो तो मैंने पहले ही निकाल रखा हूं माइनस 805, राइट, और इसका जो फॉर्मेशन है वो है माइनस 170, तो माइनस 170 इज इक्वल्स टू इन दोनों, इन सब का एडिशन, तो ये दोनों हमारा ऐड होके कितना देने वाला है, 2320 प्लस 250 माइनस 805 माइनस एक्स माइनस 4Y, तो एक्स प्लस 4Y का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर अगर मैं कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 420 प्लस दिस 27 तो 2320 तो 2740 माइनस 805 तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1935, सो दैट इज व्हाट वी हैव, सो वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू वेरिएबल्स। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका पहले दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2850 माइनस 1935 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो दैट विल बी 915 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 407.5, दिस विल बी 407.5, एक सेकेंड गड़बड़ किया हूं, सॉरी 457.5, सॉरी अभी काउंट हो जाता, 457.5, यानी मेरे पास ये आ जाएगा जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई मैंने किसको माना था सी एच को, दैट विल बी 475.5 किलो जूल पर मोल। और इसको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो 2Y का वैल्यू जो है वो है 915 और इनटू 2 करूंगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1830, तो उसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 915 इनटू 2 इज बेसिकली 1830, तो 1830
अगर मैं इसको सबस्ट्रैक्ट करूंगा तो 105 आएगा, तो मेरे पास जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी है दैट विल कम आउट टू बी 105 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मैं तीन पार्ट जो है वो सॉल्व कर चुका हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच। अब पहले एक बार इथीन को पकड़ो, इथीन का कंबोशन रिएक्शन क्या होगा, C2H4 गैशियस प्लस 2O2 गैशियस गिव्स यू 2CO2 गैशियस प्लस 2H2O लिक्विड, सॉरी 3 होता है, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। और एक बार जब तुम ये लिख चुके हो तो वापस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इसका कंबर्शन -1410 विल बी 2 × -390 प्लस 2 × -290 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H4। ये हमारे पास जो है वो आसानी से आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द डेल्टा एच एफ नॉट, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H4 विल बी इक्वल्स टू -780 -580 प्लस 1410 -1660 प्लस 1410 दैट विल बी -250 किलो जूल पर मोल, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। ठीक है, इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है मेरा -250 किलो जूल पर मोल। एंड इसका फॉर्मेशन के लिए वापस पकड़ो C2C सॉलिड प्लस 2H2 गैशियस गिव्स मी 2CH4 गैशियस, यहां पर मेरे पास आ जाएगा। एंड यहां से सबसे पहले प्लस 1440 प्रोवाइड कर दो, मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं, हाँ ये 1360 था, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो दिस विल बी प्लस 50। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ इतने सारे कैलकुलेशन है, तो देखो एग्जाम में ऑब्वियसली बात है पूरा पार्ट नहीं आएगा, मैं तो बस अभी ऐसे ही कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इट इज गोइंग टू कम। और दो हाइड्रोजन का जो है वो है मेरा प्लस 880 2C गैशियस 4H गैशियस, और ये दोनों कंबाइन होके जब जाएगा तो एक तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C एक जाएगा और -4 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H जो है वो हमारा आने वाला है। सो इसका अगर मैं रिएक्शन के बारे में देखूं, सो इन दोनों का एडिशन 2320, ठीक है 2320 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, और जो हमारा 4Y हो जाएगा this into 4 is going to come, so that will be equals to 1830, so that will be -1830, that is going to be equals to 50, the bond energy of C double bond C 2320 -1880, so that will be equals to 440 किलो जूल पर मोल, दैट विल बी इक्वल्स टू 440 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
एंड लास्ट वी गो फॉर द एसिटिलीन. सो एसिटिलीन के लिए क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन, C2H2 गैशियस प्लस O2 गैशियस gives 2CO2 gaseous plus H2O liquid. So here will come 2.5. So simple सी बात है, इसका enthalpy of conversion का data को use करते हुए -1300 -2 into -390 -290 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एसिटिलीन, दैट इज व्हाट वी कैन राइट. सो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ एसिटिलीन विल कम आउट टू बी 1300 -780 -290. तो 1300 -1070 that is what we are going to get. So that will be equals to 230 kilojoule per mole. तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगेन पॉजिटिव है और इसका अमाउंट है 230 kilojoule per mole. And now again last में इसको फॉर्म कर लेते हैं, तो 2C solid plus H2 gas is giving a C2H2 gas. तो 2C solid जो है इसको मुझे convert करना है, तो plus 1440 2C gas. Here it will be plus 440. It will be 2H gas. And यहां से अगर हम ध्यान दें तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, दैट इज व्हाट यू कैन राइट. सो मेरे पास सब कुछ आ रखा है. सो 230 विल बी इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन 1880 1880 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और इसका इंटू टू मतलब 915 ही है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1650 -915, तो दैट विल बी 735 किलोजूल पर मोल. सो दोस्तों काफी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था. बहुत सारे डेटा थे हमारे पास और उन डेटाओं के सहारे एक एक करके डिकोड करते हुए हम चलते गए और इवेंचुअली हम क्वेश्चन में हर एक पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर दिए हैं. मेन बात दो ही था, पहले सी डबल बॉन्डों को पकड़ना था, उसके बाद उस डेटा के हेल्प से एसिटल्डिहाइड और इथेन को पकड़ना था. दैट वॉज द ओनली पॉइंट. बाकी सारे जो है वो तो हमारा सिंपल कंसिक्वेंस है, आसानी से हमारा निकल तो चला गया. ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. रिलेवेंट डेटा दिया हुआ है और वो सारे डेटा 300 केल्विन पे है. हमें ये पूछा है जो डेल्टा जी नॉट एन एच फोर सी एल एट 350 केल्विन क्या होने वाला है. अच्छा, नॉट जब बोला हुआ है तो इसके मतलब प्रेशर हम मानेंगे 180 पे फिक्स है. इट्स अ केस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट. तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. ये बात पे तो हमें डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा जो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है. प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एट 180. अगर ये कोई देगा नहीं बट नॉट बोला है तो प्रेशर को हमारा 180 पे हम कॉन्स्टेंट मानते हुए ही आगे की ओर बढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना है. अच्छा, NH4Cl का फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या लिखूंगा. हाफ एन टू गैस प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस
gives me NH4Cl solid. That is what you can write. So, delta S naught formation of NH4Cl solid at 300 Kelvin अगर मैं निकालना चाहूं तो 300 Kelvin का डेटा जो है वो तो हमारा साफ साफ दिया हुआ है. So that will be equals to S naught of NH4Cl solid minus half S naught N2 minus 2 S naught H2 minus half S naught Cl2. That is what I can say. ये हमारा formation का entropy है. So that will be equals to 100 minus 95 minus 260 minus 110. तो यहां पर हो गया 5 minus 105 तो minus 365 जूल पर केल्विन मोल. ये तो हमारा होना ही चाहिए था क्योंकि ये तो हमारा एक नेगेटिव क्वांटिटी है. तो नेगेटिव क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा नेगेटिव क्वांटिटी आने का रीजन ये है, हमारा बहुत सारे गैशियस रिएक्टेंट से एक सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है. तो वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू जो कि हमें इवेंचुअली मिल भी रहा है यहां पर. अच्छा, तो डेल्टा एस एफ नॉट एट 350 केल्विन अगर मैं देखूं, that will be equals to delta SF naught at 300 Kelvin plus a delta reaction Cp ln T2 by T1. ln T2 by T1 is nothing but ln 7 by 6, and luckily that value is given to us. So the value we have is minus 365 plus 0.15 into delta reaction Cp, that is a minus 20. तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 3, ठीक है. तो that will be equals to minus 368 Kelvin mole. और इसके अलावा जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो भी तो हमारा बदलेगा. ध्यान दो, डेल्टा एच एफ नॉट एट 350 केल्विन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ नॉट एट 300 केल्विन प्लस डेल्टा रिएक्शन सीपी इनटू डेल्टा टी. That is what you can say. So quite evidently जो हमारे पास आ जाएगा that will be delta HF naught at 350 Kelvin will be equals to इसका value कितना है, minus 310 kilojoule, और यहां पर हो जाएगा minus 20 डेल्टा टी जो है दैट इज 50 बाय 1000. सो यहां पर मेरे पास 1 आ जाएगा, माइनस 311 किलो जूल पर मोल. सो दैट विल बी माय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 350 केल्विन. सो जो मेरे पास डेल्टा जीएफ नॉट आएगा एट 350 केल्विन, that will be minus 311 minus T 350 into delta S to plus 368 divided by 1000. हमारे पास ये आ जाएगा. तो
तो इतना हमारे पास किलो जूल में आएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू -311 प्लस 0.35 × 368. कितना हो जाएगा इसके बारे में देखते हैं एक बार के लिए. तो 36.8 कर लेते हैं. सो कितना हो जाएगा 36.8 × 3. तो मेरे पास ये हो जाएगा 0.4. तो यहां पर हो जाएगा 18 जीरो. सॉरी, ये मेरा इंटू थ्री हो जाएगा 110.4. ठीक है, ये मेरा 110.4 हो जाएगा. एंड 0.5 अगर मैं देखूं, ठीक है, 0.5 अगर मैं एडिशनली देखूं तो इसमें 18.4 और ऐड कर दो बाहर से तो मेरे पास आ जाएगा 128.8. Now 128.8 is what we are going to have plus 128.8. Just go through the calculation once, ठीक है. And यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास आ जाएगा 0.28 -182.2 किलो जूल पर मोल. दैट इज द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl सॉलिड एट 350 केल्विन टेम्परेचर. ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज लुक एट द रिलेवेंट डेटा. यहां पर जो बॉन्ड एनर्जीज लिखा हुआ है वो सारे किलो जूल पर मोल पर है. एंड वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन of carbon solid graphite. अच्छा, before we proceed any further, CH3COOH का structure देख लो. देखो आगे तुम जब organic पढ़ोगे तो ये सारे structure obvious मानी जाएगी. मैं फिलहाल तुम लोगों के मदद के लिए इसके structure जो है वो draw करके दे दे रहा हूं. ठीक है, this is called the acetic acid. अच्छा, इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन हम क्या लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम ये लेंगे जो दो कार्बन सॉलिड हमने लिए हैं. हमारे पास टोटल चार हाइड्रोजन है तो 2H2 गैस लेंगे, दो ऑक्सीजन है तो हम O2 गैस लेने वाले हैं एंड वहां से हम बनाने वाले हैं CH3COOH gaseous. अच्छा ध्यान देना, ये gaseous फॉर्म में बनाने के लिए बोला गया है, उसी का हमें फॉर्मेशन का एनर्जी जो है वो हमें दिया हुआ है. एंड नाउ वी फॉर्म द Born-Haber साइकिल. यहां पर हमें 2x जो निकालने बोला है वो यहां पर बोला है जो अच्छा H का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, यानी एक हाइड्रोजन का. हम बनाने वाले हैं चार हाइड्रोजन गैस तो ऑब्वियस सी बात है इसको इंटू फोर करना पड़ेगा. और यहां पर जो हमारे पास आने वाला है वो है एक ऑक्सीजन बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो 2O गैस आएगा. O डबल बॉन्ड O हम ढूंढ लेते हैं, एक बार हां मिल गया है, प्लस 500. और इसके सहारे जब मैं बनाने वाला हूं अपना कंपाउंड को, सो ध्यान दो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आएगा, सीसी बॉन्ड हमारे पास एक है तो उसको हमने ढूंढ लिए, -345. तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारे पास है तो -1230. ठीक है. अच्छा, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, -730.
एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी तो है, तो -350। और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो है, -460। और दोस्तों ये एसिटिक एसिड नहीं है, ये तो एसिटिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो एडिशनल रेजोनेंस एनर्जी भी तो हमें रिलीज होने वाली है, तो रेजोनेंस एनर्जी का -110 भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो दोस्तों बाकी सब कुछ बन गया है, अब हेसिस लॉ लगाने का देर है। सो मेरे पास सिंपली जो आएगा 2x प्लस 880 प्लस 500, ये मेरा प्लस में है, माइनस में है 345, 1230 प्लस 730 प्लस 350 प्लस 460 प्लस 100, एंड ये जो हमारे पास टोटल आएगा वो इस रिएक्शन का नेट हमारा एंथैल्पी चेंज होने वाला है, तो ये जो है दैट इज इक्वल्स टू -415। सो हमारे पास 2x अगर हम कंप्यूट करें कितना आएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1380। उसको वहां पर ले जाऊंगा तो 1380 और 415 तो मेरे पास आ जाएगा 1795, तो माइनस वाला तो फिक्स हो गया, प्लस 1795। प्लस में एक एक करके कंप्यूट करते हैं, ये है मेरा 570, यह मेरा 570, उसको मैं पहले ऐड कर देता हूं 730 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 1300। ठीक है, नाउ 1300 और ये 1300 और 700 से 5 कम, 1300 और 700 हो गया 2000, 2000 से 5 कम 1995। नाउ 1995 के साथ 1230 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1995 और 1230 तो मेरे पास हो जाएगा यहां पर 523225, सो दैट विल बी 301530। तो मेरे पास एक्स That will be delta H sublimation of carbon solid graphite will be equals to 715 kilojoule per mole. ठीक है, अगेन सम इजी कैलकुलेशन, बस रेजोनेंस एनर्जी है, इस चक्कर में मैंने क्वेश्चन को लिया था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।